ओयो होटल में 3 या 4 घंटे के लिए रूम किस तरह से बुक करें, ये बहुत सारे लोगों का कमेंट्स बार बार आ रहा था। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों को पता होगा हमारे चैनल पे पहले से ही ओयो के ऊपर 30 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। जितने भी आपके डॉट्स है, जितने भी आपकी क्वेरीज है, सारे डॉट्स सारे क्वेरीज के ऊपर पार्टिकुलर वीडियो बना के हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे ओयो प्लेलिस्ट बोल के एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे ओयो स्टूडेंट जितने भी डॉट्स है ना सारे के ऊपर पार्टिकुलर वीडियो आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई मैं 24 घंटे के लिए नहीं रहना चाहता हूँ ओयो होटल में, सिर्फ 3, या ऐसा कुछ तरीका बताओ जिसमें सिर्फ 3 या 4 घंटे के लिए ओयो होटल में स्टे कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो पूरी लास्ट तक देखिए, आप लोग की सारी डॉट जो है ना चेक इन से रिलेटेड, मतलब किस तरह से जाएं और आए, वो सारी डॉट मैं क्लियर करने वाला हूँ आज की वीडियो में। सो हरे दोस्तों, आई एम रोहित एंड यू वाचिंग हाईटेक रोहित। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेंगी कि मैं कपल्स के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो और बहुत ही यूजफुल वीडियोस हर वीक लाया करता हूँ। मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप कपल्स रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो सारे आप मिस ना कर दो। आप लोगों के लिए कपल्स के लिए ही, आप लोगों के लिए ही वीडियोज है, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है। तो अब बात करते हैं कि ओयो में 3 या 4 घंटे के लिए रूम किस तरह से बुक करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाकी होटल्स में ऐसा होता होगा मैं ये बता नहीं सकता, लेकिन ओयो होटल में सिर्फ 3 या 4 घंटे रूम बुक करने की सिस्टम नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले थी कि आप 6-6 घंटा करके एक शिफ्ट के हिसाब से कर सकते थे, बट अभी फिलहाल या फिर कह सकते हैं कुछ दिनों से बंद है ये सिस्टम, 6 घंटा वाला सिस्टम बंद है। अगर आप ओयो होटल में रूम बुक करते हो आप वहां पे आधा घंटा रुको, 5 मिनट रुको, या फिर पूरा 24 घंटा रुको, या 3 घंटा रुको, या 4 घंटा रुको, आपको पेमेंट पूरे 1 दिन की मतलब पूरा 24 घंटा का ही देना पड़ेगा। जब आप ओयो होटल बुक करने जाते हो तो एज ए कपल आप 2 लोगों की रूम बुक करते हो, आपको पेमेंट मान लिए दिखा रहा है 1000 रुपया, ठीक है, आप 1000 रुपये में होटल बुक कर लिए और ओयो होटल में चेक इन करने का टाइम मतलब जाने का जो टाइम होता है, ओयो होटल में पहुंचने का जो टाइम होता है वो होता है दोपहर में 12 बजे से। जिस दिन आपने ओयो होटल में रूम बुक करा उस दिन आप 12 बजे उस होटल में पहुंच सकते हो, रूम में रह सकते हो। और नेक्स्ट डे अगर आपने 10 तारीख को बुक किया है तो आप 11 तारीख को सुबह 11 बजे तक वहां पे सेम उसी पैसे में रह सकते हो, मतलब 23 घंटे के लिए आपके लिए वैलिड होता है वो रूम। अगर आप एक बार बुक करते हो तो 23 घंटा तक आप उसी पैसा में उस रूम में रह सकते हो। और वहां पे आप दोस्तों उस 23 घंटा में आप जब तक चाहो तब तक रह सकते हो। ऐसे में बहुत लोगों का डाउट था कि मैं नेक्स्ट डे रह सकता हूँ, अगर मेरी गर्लफ्रेंड आई है वो 2-3 घंटा रुकी है वो फिर चली गई है तो मैं रुक सकता हूँ कि नहीं नेक्स्ट डे तक। तो भाई आप दोनों में से जब जो आप दोनों में से जो जितना देर तक चाहे उतना देर तक रुक सकता है। मान लो आप और आपकी गर्लफ्रेंड गई है उस ओयो होटल में और आप लोगों में से अगर एक एक कोई भी एक पार्टनर अगर आपका 2-3 घंटा स्टे करके निकल जाता है तो नेक्स्ट पार्टनर अगर उनके संग निकलना चाहे तो आप 2-3 घंटा में उनके संग भी निकल सकते हो। अगर आप आधा घंटा और रुकना चाहो तो आप फिर भी रुक सकते हो, या फिर आप नेक्स्ट डे तक भी रुकना चाहो तो आप रुक सकते हो। तो ऐसे में जो होटल में ठहरने की बात है 24 घंटे के लिए वो आपका रूम हो जाता है। आप 24 घंटे के लिए आप जब तक चाहो तब तक उस होटल में रह सकते हो। आप 5 मिनट में भी निकल सकते हो भाई, आप 24 घंटे में भी निकल सकते हो। लेकिन जो आप लोगों का डॉट था ना कि यार 4 घंटे के लिए 5 घंटे के लिए रूम बुक करूंगा तो कम पैसे में कैसे हो जाए, तो यार यहाँ पे ओयो में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है कि आपको आवर बेसिस पे मिल जाएगा। आवर बेसिस पे आपको वही रेस्टोरेंट वगैरह जो केबिन वगैरह होता है वो मिलेगा। तो ओयो में आपको पूरा 24 घंटे की पूरे 1 डे की पूरा फुल पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप 3 घंटा रहो, 4 घंटा रहो, कितना घंटा रहो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पैसा आपको पूरे फुल डे की लगेगी, आप 24 घंटे में से जितना देर चाहो उतना देर, दोनों में से जितना लोग चाहो उतना लोग रह सकते हो। तो बस ये डॉट आप लोगों को क्लियर करना बहुत जरूरी था क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं लेकिन फिर भी आप लोगों ने शायद वो वीडियो नहीं देखा होगा। लगातार ऐसे इस तरह के कमेंट्स बहुत आ रहे थे चैनल पे 2-3 घंटा के लिए, 4-5 घंटा के लिए किस तरह से रूम बुक करें। तो आई होप कि आज की वीडियो के बाद ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो मिली है इससे आपकी डॉट सारी सॉल्व हो गई होगी। तो यार अगर वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दे, और इसी तरह से कोई भी डाउट हो कपल्स के ऊपर या कुछ भी जानना हो कपल्स के बारे में तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ। और लेटेस्ट इसी तरह के और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप फ्यूचर में किसी भी तरह का अपडेट उसको मिस ना करें। बस दोस्तों आज की वीडियो में यही था, वीडियो पूरी लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।